गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में एस ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है, जिसमें हम लास्ट वीडियो में हमने विलायकन ऊर्जा के बारे में हमने चर्चा की थी। विलायकन ऊर्जा या जलयोजन ऊर्जा, आज का टॉपिक है जलयोजन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले विलायकन ऊर्जा को हमने लास्ट वीडियो में देखा था। विलायकन ऊर्जा का तात्पर्य है जब किसी विलायक में किसी विलय को घोला जाता है तो विलय और विलायक के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के कारण जो ऊष्मा, जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं विलायकन ऊर्जा। ठीक है, यदि हम विलायक के रूप में जल प्रयुक्त करते हैं तो उसे कहते हैं जलयोजन ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा और हमारे पास में जालक ऊर्जा है, इन ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि किसी कंपाउंड के लिए लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है तो उस कंपाउंड की विलयता क्या होगी, कम होगी। यदि किसी कंपाउंड के लिए जलयोजन ऊर्जा या विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा की तुलना में ज़्यादा होता है तो वह कंपाउंड क्या होता है, अधिक स्टेबल होता है। ठीक है, अब आपके पास में है विलायकन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक और पहला के पास में है धातु पर आवेश, धातु पर आवेश। ठीक है, या धातु आयन पर आवेश, धातु आयन पर आवेश। धातु आयन पर आवेश प्रोपोर्शनल जलयोजन ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा। जैसे जैसे आपके पास में धातु के ऊपर आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी जो जलयोजन ऊर्जा है उसका मान बढ़ता जाता है। अर्थात किसी धातु पर जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता जाता है, आवेश का मान बढ़ता जाता है वैसे 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 जलयोजन ऊर्जा का मान, जलयोजन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास में आवेश की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे उसके लिए जलयोजन ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस Mg प्लस टू, Al प्लस थ्री, Sn प्लस फोर, ये Si प्लस फोर। जैसे जैसे आपके पास में आवेश की मात्रा बढ़ रही है, आवेश की मात्रा का बढ़ता क्रम, आवेश की मात्रा का बढ़ता क्रम और जलयोजन ऊर्जा का, जलयोजन ऊर्जा का बढ़ता क्रम, अगर आप इन सभी के साथ में जैसे आपके पास में NaCl हो, MgCl2 हो, AlCl3 हो, SiCl4 हो,
ठीक है, इनमें आपके पास में सबसे ज़्यादा जल योजन ऊर्जा का मान किसका होगा, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड का होगा, और सबसे कम किसका होगा, NaCl का होगा। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आपके पास में आयन के ऊपर आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके पास में जल योजन ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, और जल योजन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो उसकी जो विलयता है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको नोट करो आप, यानी आपके पास में आयन के ऊपर आवेश की आवेश बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके पास में उसकी जो जल योजन ऊर्जा है वो बढ़ती जाएगी। दूसरा कारक है आकार, परमाणवीय आकार, परमाणवीय आकार, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज प्रोपोर्शनल 1/ हाइड्रेशन एनर्जी, जैसे जैसे आपके पास में परमाणवीय आकार बढ़ता जाता है उसकी विलायकन ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा का मान घटता जाता है, क्योंकि आपके पास में आयन का आकार बड़ा होता है, आयन का आकार बड़ा होता है तो उसके साथ में जल के अणुओं की जुड़ने की जो प्रोसेस है वो धीमी हो जाती है। यानी कि आपके पास में जैसे आपके पास में आयन का आकार बढ़ेगा, आयन का आकार बढ़ने पर उसमें जल के अणुओं की जुड़ने की जो क्षमता है यानी कि जल योजन क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाती है, क्योंकि आपके पास में जैसे आपके पास में किसी परमाणु के ऊपर आवेश बढ़ेगा उसके आकार में क्या होती है, कमी होती है, आकार में कमी होगी तो उसके साथ में जल के अणु के जुड़ने की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, तीव्रता से होगी, यानी कि उसकी जल योजन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होगा। ठीक है, दूसरा कारक पास में क्या है, परमाणवीय आकार है, इसको आप नोट करो। तीसरा आपके पास में अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व होगा, तीसरा है पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित, पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व, पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व। ठीक है, तो पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित, अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व प्रोपोर्शनल जल योजन ऊर्जा, अगर हमारे पास में ऐसे एटम, ऐसे अणु, ऐसे परमाणु हैं जिनके ऊपर, जिनमें अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक वहाँ पे अवेलेबल हों तो उनमें जल के अणुओं के जुड़ने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है, अर्थात उनकी जल योजन ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि आधे भरे हुए और जो पूरे हुए कक्षक हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और आपके पास में आधे भरे हुए पूरे भरे कक्षक हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण उनमें जल के अणुओं के जुड़ने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है, अर्थात उनकी जल योजन ऊर्जा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको नोट करो, ये तीन कारक थे आपके पास में विलायकन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में, पहला आपके पास में धातु धनायन पर आवेश, दूसरा आपके पास में परमाणवीय आकार, और तीसरा आपके पास में पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व है। ठीक है, इसमें परमाणवीय आकार है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, बाकी आपके पास में ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है संकुलन प्रवृत्ति।
संकुलन प्रवृत्ति, यानी कि संकुल बनाने की प्रवृत्ति। संकुल बनाने की प्रवृत्ति को हमने देखा था कि आपके पास में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, जो आपके पास में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं उनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या कारण है वो हम देखेंगे यहाँ संकुल प्रवृत्ति में। नेक्स्ट टॉपिक है संकुलन प्रवृत्ति। संकुलन प्रवृत्ति, अब देखो बस में संकुलन प्रवृत्ति क्या होती है, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इनके इनको आवेश अधिकतम, और आपके पास में जो आपके पास में धातु हैं उनके साथ में लिगेंडों की जुड़ने की प्रवृत्ति है वो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की तुलना में क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे आपके पास में कम एलिमेंट्स, जो आपके पास में कम धातु ऐसे हैं जिनके साथ में संकुल का निर्माण हो सकता है। अब यहाँ पे संकुल क्यों बनता है, उसका मुख्य कारण क्या है वो देखो। सबसे पहले तत्वों में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति को, निर्माण की प्रवृत्ति को संकुलन प्रवृत्ति, तत्वों में संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति है उसे संकुलन प्रवृत्ति कहते हैं, संकुलन प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि आपके पास में जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं संकुलन प्रवृत्ति। संकुल निर्माण के लिए किसी केंद्रीय धातु आयन में, केंद्रीय धातु आयन में निम्न गुण निम्न गुण होने चाहिए। संकुल निर्माण के लिए किसी सेंट्रल मेटल आयन में निम्न गुण होने चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट गुण है कि आपके पास में धातु का आकार क्या हो, छोटा होना चाहिए। धातु आकार छोटा हो। दूसरा के पास में धनावेश अधिकतम हो, आवेश अधिकतम हो। रिक्त डी कक्षक वहाँ पे क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। रिक्त सेंट्रल मेटल आयन के पास रिक्त एवं भरे हुए डी कक्षक उपलब्ध होने चाहिए। तत्वों में संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति है उसे हम संकुलन प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि आपके पास में कोई भी मेटल है किसी लिगेंड के साथ में जुड़ के आपके पास में किसी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं संकुलन प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति अधिकांश डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में पाई जाती है। सर्वाधिक किसमें होती है, डी खंड के तत्व हैं या डी खंड के जो भी आपके पास में धातु हैं उनमें आपके पास में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति अधिकतम होती है। अब आपके पास में संकुल बनाने के लिए सेंट्रल मेटल आयन में निम्न गुण होने चाहिए। पहला गुण होना चाहिए आपके पास में जो भी धातु हो उसका आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्योंकि धातु क्या होती है, धातु का मुख्य कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बढ़ाना। और यदि आपके पास में कोई परमाणु या स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके आकार में क्या होती है, कमी होती है। दूसरा आपके पास में धनावेश अधिकतम होना चाहिए। धनावेश क्या हो, अधिकतम हो, या आवेश क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। सेंट्रल मेटल आयन में भरे हुए या रिक्त कक्षक क्या होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए।
ठीक है, आगे देखो। उपरोक्त सभी गुणों में से, उपरोक्त सभी गुणों में से, उपरोक्त सभी गुणों में से एस ब्लॉक एलिमेंट में, एस ब्लॉक एलिमेंट में एलिमेंट में बेरिलियम व मैग्नीशियम धातु में ये गुण पाए जाते हैं, ये गुण पाए जाते हैं, ये गुण पाए जाते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी गुणों में से एस ब्लॉक एलिमेंट में बेरिलियम व मैग्नीशियम धातु में ये गुण पाए जाते हैं, यानी उपास में जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, वो इस प्रकार के गुण रिप्रेजेंट करते हैं। इनका आकार छोटा होता है, आवेश घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, इनमें रिक्त डी कक्षक क्या होते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं मैग्नीशियम में। ठीक है, अब देखो, इन दोनों तत्वों में, इन दोनों तत्वों में या इन दोनों तत्वों का आकार छोटा एवं आवेश घनत्व अधिकतम होने के कारण, अधिकतम होने के कारण इनमें संकुलन प्रवृत्ति पाई जाती है, इनमें संकुलन प्रवृत्ति पाई जाती है। एग्जाम्पल, बेरिलियम और मैग्नीशियम यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स हैं, वो आपके पास में संकुलों का निर्माण कर सकते हैं। इनका आईपीसी नेम देखें, इसका आईपीसी नेम क्या होगा, टेट्रा एक्वा बेरिलियम सेकेंड आयन, टेट्रा एक्वा बेरिलियम सेकेंड आयन, और इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो मैग्नीशिएट मैग्नीशिएट सेकंड आयन, ये इनके आईपीसी नेम हो जाएंगे। दोबारा देखो, यानी कि संकुल बनाने के लिए सबसे मुख्य गुण होता है उसका आकार छोटा होना चाहिए, आकार छोटा होना चाहिए। दूसरा, उसके ऊपर आवेश घनत्व है या आपके पास में उसमें धनावेश बनाने की क्षमता है, वो क्या होनी चाहिए, अधिकतम होने चाहिए। तीसरा, आपके पास में रिक्त या भरी हुई डिक्स क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। उस कंडीशन में संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, ये सभी गुण आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मुख्य रूप से बेरिलियम और मैग्नीशियम में पाया जाता है, और बेरिलियम मैग्नीशियम ऐसे तत्व हैं जो अधिकतर संकुलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास में इनमें मुख्य रूप से दो ये गुण आपके पास में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला है, भरे हुए डी कक्षक हैं, वो इनमें अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास में उपरोक्त सभी गुणों में से केवल एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बेरिलियम व मैग्नीशियम इनमें से ये दो गुण रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात इनका आकार छोटा होता है, आवेश घनत्व अधिकतम होता है। और आपके पास में बेरिलियम टेट्रा एक्वा बेरिलियम सेकेंड आयन, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो मैग्नीशिएट सेकेंड आयन। ठीक है, आगे आपके पास में इसके और भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में क्लोरोफिल भी बनता है आपके पास में संकुल प्रवृत्ति के कारण, तो इसको आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं।
आगे उपासमेन में कौन कौन से संकुल बन सकते हैं उनका हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा के पास में जो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम और लिथियम आयन में भी, पोटेशियम और लिथियम आयन में भी संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और वो कैसे होती है उसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। देखो आगे, आगे एग्जाम्पल है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड एवं K+ आयन यानी कि पोटेशियम आयन और सैलिसिलिक एल्डिहाइड का संकुलन निम्न प्रकार होता है, अर्थात सैलिसिलिक एल्डिहाइड और पोटेशियम आयन है उनमें संकुलन की जो प्रवृत्ति होती है वो निम्न प्रकार होती है, अर्थात इनमें समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 दोनों प्रकार के संकुल पाए जाते हैं। इनमें K+ आयन समन्वय संख्या चार व छः दोनों प्रकार के संकुल बनाता है या बना सकता है, यानी जिसकी समन्वय संख्या के पास में 4 हो और 6 हो। सबसे पहले आपके पास में सैलिसिलिक एल्डिहाइड है, CHO और C=H, यस सैलिसिलिक एल्डिहाइड ना, OH और CHO, इसका नाम है सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्लस K+ आयन। अब क्या होगा आपके पास में, जब आपके पास में सैलिसिलिक एल्डिहाइड और पोटेशियम आयन इन दोनों में संकुल बनाते हैं, ठीक है, और संकुल बनाने पर K+ आयन जिसमें आपके पास में यहाँ से H+ आयन मुक्त होकर आपके पास में जो ऑक्सीजन है वो पोटेशियम आयन के साथ में बॉन्डिंग करता है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया वापस हम किसी सैलिसिलिक एल्डिहाइड से करते हैं तो क्या होगा, देखो बीच में जो आपके पास में क्या रहेगा, K+ आयन रहेगा,
बीच में आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे K प्लस आयन, यहाँ आपके पास में सी एच ओ, यानी कि समन्वय संख्या चार वाले संकुल यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, फिर आपके पास में आगे समन्वय संख्या छः वाले संकुल यौगिक निर्माण कैसे होगा, देखो समन्वय संख्या छः वाले संकुल यौगिक का, इसको थोड़ा नीचे ले लेंगे अपना। समन्वय संख्या छः वाला संकुल यौगिक और ये समन्वय संख्या चार वाला संकुल यौगिक, यानी कि आपके पास में जो पोटेशियम है, पोटेशियम आयन की अभिक्रिया किससे कर दें, सैलिसिलिक एल्डिहाइड से कर दें। ठीक है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड से करते हैं तो आपके पास में पोटेशियम आयन है वो आपके पास में दो अणु आपके पास में जल के और आपके पास में सैलिसिलिक एल्डिहाइड से ऐड हो जाता है। इसकी अभिक्रिया वापस आपके पास में एक और सैलिसिलिक एल्डिहाइड का अणु लेते हैं तो वहाँ आपके पास में वापस समन्वय संख्या चार वाले संकुल यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, इसी के साथ में फिर आपके पास में एक और अणु आपके पास में सैलिसिलिक एल्डिहाइड के लेते हैं तो समन्वय संख्या छः वाले आपके पास में एक दो तीन आपके पास में सैलिसिलिक एल्डिहाइड है जो आपके पास में छः अपने लोन पेयर डोनेट करके और पोटेशियम आयन के साथ में समन्वय संख्या छः वाले संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। इसको आप नोट करो, ऐसे हमारे पास में लिथियम का होगा, लिथियम की आपके पास में
दो प्रकार की संरचना बनानी हमें संकुल प्रवृत्ति में। फिर हमारे पास में मैग्नीशियम की बनानी है। यानी आपके पास में क्वेश्चन आता है संकुलन प्रवृत्ति के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, तो संकुलन प्रवृत्ति की परिभाषा लिख देंगे कि आपके पास ये परिभाषा होती है, ये इसके गुणधर्म है, ये इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं और ये इसके क्या है एग्जाम्पल हैं। इसमें कोई भी अपने एक या दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें सभी एग्जाम्पल लिख याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपके पास में है लिथियम बेंजो 12 है, लिथियम बेंजो 12 है, लिथियम बेंजो 12 है क्राउन फॉर संकुल, लिथियम बेंजो 12 है फॉर संकुल। यानी कि एक बेंजीन वलय के घेरे में 12 परमाणु और 4 ऑक्सीजन, एक बेंजीन वलय और घेरे में 12 परमाणु एवं 4 ऑक्सीजन। सबसे पहले हमें एक बेंजीन वलय बनानी है। ये आपके पास में एक बेंजीन वलय है, ठीक है। इस बेंजीन वलय के साथ में ऑक्सीजन, ठीक है, इनको आप लिथियम के साथ में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास में नीचे CH2CH2O और यहाँ पे आपके पास में CH2 और एक ऐसे आपके पास में ऊपर लगा देंगे CH2 और इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि एक बेंजीन वलय है, एक आपके पास में क्या है बेंजीन वलय है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और ये 12। यानी कि इसका नाम क्या है लिथियम बेंजो 12 है क्राउन फॉर संकुल। इसमें आपके पास में क्या है बेंजीन वलय है, इस बेंजीन वलय के घेरे में 12 परमाणु हैं, आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें 4 ऑक्सीजन है, 12 परमाणु और 4 ऑक्सीजन आपके पास में 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यानी कि इसका नाम क्या है लिथियम बेंजो 12 है क्राउन फॉर संकुल। ठीक है, दूसरा आपके पास में है पोटेशियम डाई बेंजो, पोटेशियम डाई बेंजो यानी कि पोटेशियम आयन है, वो आपके पास में दो उसमें क्या होंगी बेंजीन वाले होंगी, पोटेशियम डाई बेंजो 18 क्राउन 6 संकुल। इसका नाम है 18 क्राउन 6 संकुल और कैसे बढ़ाएंगे पोटेशियम डाई बेंजो 18 क्राउन 6 संकुल। इसमें आपके पास में दो बेंजीन वलय बनाएंगे ये आपके पास में दो बेंजीन वलय हैं,
ठीक है। इन बेंजीन विलायक के साथ में वही दो ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, दो ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देंगे और दो ऑक्सीजन हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसी के साथ में नीचे आपके पास में इनको हम यहाँ पे बीच में लिख देंगे पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन, और इसके साथ में ये लगा देंगे उपसहसंयोजक बंध 4। फिर नीचे आपके पास में होगा CH2, और पोटेशियम डाई बेंजो 18 क्राउन 6 संकुल, इसमें दो बेंजीन विलय और घेरे में 18 परमाणु, दो बेंजीन विलय और घेरे में 18 परमाणु एवं 6 ऑक्सीजन नोट करो इनको। अब इसमें टोटल परमाणु देखते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। दो बेंजीन विलय और घेरे में 18 परमाणु एवं 6 ऑक्सीजन होते हैं, उसे हम पोटेशियम डाई बेंजो 18 क्राउन 6 संकुल कहते हैं, ठीक है। इनको नोट करो। फिर आगे हमारे पास में मैग्नीशियम जो कंपाउंड है उसका भी हम संकुल बना सकते हैं। इसका संकुल बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो बेंजीन विलय लेनी है, दो बेंजीन विलय लेके उसके साथ में इसको दोबारा बना दूंगा एक बार, थोड़ी सी बड़ी संरचना है लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है। सबसे पहले हमें बनानी है दो बेंजीन विलय, एक बेंजीन विलय ये है, एक बेंजीन विलय हमने यहाँ बना लेंगे, ठीक है। दो बेंजीन विलय है, इनके साथ में हम ऐसे ऑक्सीजन यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है। बीच में आप लिखेंगे पोटेशियम, बीच में आपके पास में क्या है, पोटेशियम है। इस पोटेशियम के साथ में हम यहाँ पे 4 बॉन्ड लगा देंगे, एक बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड इसके साथ में,
एक बॉन्ड इसके साथ में, एक बॉन्ड इसके साथ में, ठीक है। अब आपके पास में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में आपको CH2 ऐड करना है, तो आपके पास में ये वाला ऑक्सीजन है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं CH2 और जिसको अपने से लिए थोड़ा सा CH2 CH2 O CH2 CH2 O। अब आपके पास में ये वाला O है, इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी के पास में CH2 CH2 फिर O, फिर CH2 CH2, आपके पास में ये O पहले से है ही। नीचे सेम आपके पास में ऐसे कैसे अपने CH2 जोड़ने हैं, दो CH2 CH2 O CH2 CH2, और आपके पास में ये वाला O है, इसको हम ऐसे ऐड कर देंगे। पोटेशियम आपके पास में है, डाई बेंजो, दो के पास में क्या है, बेंजो है, 18 क्राउन 6 संकुल, ये पास में घेरे में आपके पास में कितने हैं, 18 परमाणु हैं, 18 परमाणु के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, ठीक है। यानी कि दो बेंजीन वाले घेरे में 18 परमाणु और 6 ऑक्सीजन आपके पास में है, तो आपके पास में 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन है, इसका नाम आपके पास में क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाई बेंजो 18 क्राउन 6 संकुल, पोटेशियम डाई बेंजो 18 क्राउन 6 संकुल, ठीक है, इसको नोट करो। इसी के साथ में आपके पास में एक और संरचना बढ़ती है, जिसमें आपके पास में या आपके पास में कोई मेटल है M प्लस, इस M का मतलब आपके पास में कैल्शियम हो सकता है, या आपके पास में क्या हो सकता है, मैग्नीशियम, यानी कि द्वि संयोजी परमाणु है। इसकी अभिक्रिया हम किससे कर दें, इसकी अभिक्रिया हम कर देंगे CH2 CH2 NH, और इसके साथ में हम यहाँ पे लगा देंगे CH2 CWH CH2 CWH, यानी कि एथिलेमीन इथायमीन EDTA, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। इन दोनों की अभिक्रिया करने पर आपके पास में जो संकुल बनता है, इन दोनों की अभिक्रियाओं से जो आपके पास में संकुल बनेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, देखो। सबसे पहले सेंटर में आपके पास में लिखनी है मेटल, क्या लिखनी है आपके पास में, सेंटर में मेटल लेनी है, सेंटर में हमने यहाँ पे ले ली है मेटल। इस मेटल के साथ में आपके पास में दो जोड़ने हैं आपको नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, इसके साथ में आपको जोड़ना है CH2 CH2, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ ये वाला कंपाउंड आपने ऐड कर लिया है NH2 CH2 CH2। अब इसके आपके पास में नाइट्रोजन है, इन दोनों नाइट्रोजन के साथ में आपके पास में CH2 CWH समूह है, उसको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे देखो। अब आपके पास में ये वाला और ये वाला कंपाउंड यहाँ पे लगा देंगे आप ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि अपना एसीटेटो ले लेंगे, और एसीटेटो लेने के बाद में
सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू सी एस टू और सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू। ठीक है, फिर आपके पास में इसको ऐड करने के बाद में दूसरा आपके पास में मेटल के साथ में फिर आपके पास में वही सी एस टू हमें ऐड करना है। और वो कैसे ऐड होगा, सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू और सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू, इसको मिला देंगे और आपके पास संरचना बनेगी ऐसे। थोड़ी सी आपके पास में जटिल संरचना आपको दिख रही है, लेकिन वैसे आपके पास में बिल्कुल ये इजी संरचना है। कैसे बनाएंगे देखो, दोबारा समझाते हैं आपको। यानी कि आपके पास में सबसे पहले हमने लिया मेटल, सबसे पहले हमने लिखा है मेटल, ये जो आपके पास में मेटल है, ठीक है, इस मेटल के साथ में सबसे पहले हमें ऐड करना है इन दोनों नाइट्रोजन को। तो आपके पास में एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, और ये दोनों नाइट्रोजन के पास में किससे जुड़े हुए हैं, सी एस टू सी एस टू के द्वारा। ठीक है, अब आपके पास में इस नाइट्रोजन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, सी एस टू सी डबल बॉन्ड और जुड़ा हुआ है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। देखो, यानी आपके पास में इस नाइट्रोजन से आपको जोड़ना है सी एस टू, तो अब हमने यहाँ पे जोड़ा सी एस टू, एक सी एस टू हमने यहाँ पे लगाया, फिर साथ में पास में क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और फिर हमें यहाँ पे लेना है क्या, ऑक्सीजन, फिर हमें यहाँ लेना है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन है इस मेटल के साथ में ऐड कर देंगे, इस मेटल के साथ में ऐड कर दिए। कहने का मतलब के पास में पहले हमने लिखा आपके पास में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसके साथ में हमने दो सी एस टू लगा दिए, फिर इस नाइट्रोजन के साथ में ये जुड़ा हुआ है, तो हमने इस नाइट्रोजन के पास में ये वाला ऐड कर दिया, फिर आपके पास में इसके साथ में आपके पास में ऐसे हमने नीचे की साइड में ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसा हमें एक आपके पास में ये और एक पास में ये और ऐड कर देंगे, तो आपके पास में ऐड कर दो कहीं भी इसको, जैसे आपके पास में ऐसे ऐड कर दो, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू, इसको मैं ऐसे ऐड कर देंगे और ये आपके पास में एक संकुल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में जो मेटल है वो मेटल के पास में कैल्शियम हो सकता है और मैग्नीशियम हो सकता है, इसको नोट करो। संकुलन प्रवृत्ति कंप्लीट हो गई है, संकुलन प्रवृत्ति। यानी कि संकुलन प्रवृत्ति बनाने के लिए जो एसब्लॉक एलिमेंट है उसमें मुख्य रूप से आपके पास में बेरिलियम और मैग्नीशियम, वो संकुल की प्रवृत्ति में ज़्यादा होती है। फिर आपके पास में जो पोटेशियम लिथियम है वो आपके पास में संकुल बनाते हैं, जो लिथियम वाला है वो आपके पास में एक बेंजो वाला बनाता है, जो पोटेशियम है उसमें आपके पास में दो बेंजो वाला संकुल बनता है। फिर हमारे पास में आता है मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है वो एथिलीन डाई एमीन के साथ में, यानी EDTA एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो है, उसके साथ में आपके पास में कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। और आपके पास में इस पर आवेश देखें तो आपके पास में इस M पर आपके पास में माइनस टू आवेश हो जाएगा। ठीक है, इसमें चार दाता परमाणुओं के पास में छह दाता परमाणु हैं, एसीटेटों के पास में यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और फिर आपके पास में ये ओ वाला ये ओ यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, आगे के पास में नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।